दोस्तों, भारत के सपनों का हथियार तैयार होने वाला है। भारत का ड्रीम वेपन कार्ल गुस्ताफ आ रहा है दुश्मनों का जवाब देने। दोस्तों, 7 किलो के इस भारतीय अस्त्र से दुनिया कांप चुकी है। यह अस्त्र तेजस मार्क 2 से भी ज्यादा निकलेगा भयानक। दोस्तों, अगर आप भारत के तेजस विमान की तकनीक को देखकर ही यह मानकर चल रहे हैं कि भारत ने सिर्फ हवाई योद्धाओं की तकनीक पर ही काम किया है, तो आपका सोचना गलत भी हो सकता है, क्योंकि भारत ऐसे ऐसे खतरनाक हथियारों पर काम कर रहा है जो दुश्मनों ने सोचे भी नहीं होंगे। कुछ हथियारों को भारत बना रहा है और कुछ को बना चुका है। बात तो यहां तक पहुंच चुकी है कि भारत के बनाए हथियार दूसरे मुल्क भी खरीदने के लिए लाइन में लगे हैं। अब यहां पर आप एक बार सोच लीजिए कि नाटो ग्रुप, जो 30 देशों का एक समूह है, उनका किसी देश से हथियार लेना इस बात को बताता है कि वो हथियार 30 देशों तक जाएगा। वहीं अब तो अमेरिका भी भारत के बनाए हथियारों को खरीदने की बातें कहने लगा है। और अमेरिका के द्वारा भारत के बनाए हथियार खरीदने का मतलब है पश्चिमी देशों तक भारत के हथियारों की जबरदस्त मार्केटिंग। तेजस को खरीदने जिस तरह से दुनिया टूट पड़ी है, ये उसी शानदार भारतीय तकनीक का नतीजा है। सबसे पहले अमेरिका ने ही तेजस को खरीदने के लिए कहा था, और उसके बाद तो तेजस खरीदने वाले देशों की लाइन लग गई। दोस्तों, अब भारत तेजस से भी उच्च तकनीक वाले हथियार उतारने के लिए प्लान बना चुका है, और ऐसे ऐसे हथियार बनकर सामने आने शुरू हो चुके हैं जो दुश्मनों ने, यानी चीन पाकिस्तान ने, ना तो कभी देखे होंगे, ना सुने होंगे, और ना ही कभी ऑपरेट किए होंगे। दोस्तों, इन्हीं हथियारों की लिस्ट में हम आपको एक हथियार के बारे में बताने वाले हैं जिसका नाम है कार्ल गुस्ताफ। जी हाँ, यह नाम आपने पहली बार सुना होगा, लेकिन यह हथियार ऐसा है कि इसके सामने परमाणु बम भी छोटा लगने लग जाए। इसकी तबाही ऐसी है कि ये पल भर में जंग का माहौल पलट दें। एक बार ये इस्तेमाल हुआ तो सामने वाला देश पानी मांगता नजर आएगा। एक और बात जान लीजिए कि ये हथियार भारत के सिर्फ एक जवान ने जैसे चलाया, मान लीजिए कि दुश्मन देश के हजारों लाखों सैनिक और उनके हथियार सब के सब बर्बाद हो जाएंगे। कमाल की बात यह है कि भारत ने इस हथियार को स्वीडन की मदद से तैयार किया है, लेकिन इसमें मैक्सिमम तकनीक और एफर्ट भारत की लगी है। जानकारी मिली है कि यह हथियार जल्द ही भारतीय सेना को मिल जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले भारतीय वैज्ञानिकों को सपोर्ट और उनके सम्मान में इस वीडियो पर लाइक जरूर कर दीजिएगा, और वीडियो देखने के बाद कमेंट में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। दोस्तों, भारत बना रहा है ऐसा मायावी ताकत वाला हथियार जो परमाणु बम की तरह मचाएगा भयंकर तबाही। दोस्तों, इस लिस्ट में हम सबसे पहले इसी हथियार की बात करेंगे जिसके मदद से भारत को ज्यादा सैनिकों की जरूरत नहीं पड़ेगी, और अकेला सैनिक ही कई दुश्मनों को निपटा देगा। इस हथियार का नाम है कार्ल गुस्ताफ। नाम के अनुसार ही यह बेहद अजीब प्रकार का हथियार है जिसे दुश्मन लाख कोशिशों के बाद भी समझ नहीं पाएगा। ये नाम के मुताबिक ही खौफनाक हथियार है। अब इसको लेकर सबसे बड़ा अपडेट आया है, और भारत ने इसको लेकर काफी अहम जानकारी दी है। जैसा कि आप जानते हैं कि फिलहाल में कई और भी देश ऐसे हैं जो भारत को हथियार देना चाहते हैं या फिर किसी हथियार की डील करना चाहते हैं, लेकिन भारत अब ऐसे देशों से उस हथियार की मैन्युफैक्चरिंग खुद करने के लिए कह रहा है, यानी अपने ही देश में वो हथियार पूरी तरह से तैयार हो, वो भी उस हथियार की तकनीक को भारत को ट्रांसफर करने की शर्त पर। और भारत की इस शर्त को मानने के अलावा किसी भी देश के पास कोई चारा भी नहीं रहता है। और इसी के तहत स्वीडन की एक कंपनी ने भारत से संपर्क किया है। हथियार का फाइनल रूप देते ही भारत की सीमाओं पर इसकी तैनात कुछ ही दिनों में हो जाएगी। दोस्तों, यह हथियार महज 7-8 किलो का है, लेकिन तबाही मचाने में यह परमाणु बम की तरह है, यानी भयंकर तबाही मचा देता है। यह ऐसा हथियार है जो एक ही हथियार से कई तरह से रॉकेट को दाग कर दुश्मन खेमे में बारिश कर देगा। दरअसल हम आपको पूरा मामला बताते हैं। स्वीडन की बड़ी डिफेंस कंपनी साहब अब कार्ल गुस्ताफ M4 का निर्माण भारत में करना चाहती है। कंपनी का कहना है कि वह पहली बार अपने देश यानी स्वीडन से बाहर कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने जा रही है। साहब के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट गॉर्डन जोहानसन ने कहा कि हम कार्ल गुस्ताफ M4 रॉकेट लॉन्चर की टेक्नोलॉजी भारत को देने के लिए तैयार है, जो भारत की शर्त भी है। अब जिस तरह से भारत इस हथियार को बनाएगा, यह अगले साल यानी 2025 तक पूरा बनकर तैयार हो जाएगा।
हालांकि इसकी कुछ यूनिट तो आने वाले कुछ दिन में ही बन जाएंगी। स्वीडन की कंपनी ने कहा है कि हम भारत में जब प्रोडक्शन शुरू करेंगे तो सबसे पहले भारतीय मिलिट्री और अर्धसैनिक बलों को सौंपेंगे और उसके बाद ही इसका निर्यात किया जाएगा। स्वीडन की कंपनी ने कहा है कि हमारी कंपनी भारतीय डिफेंस कंपनियों के साथ मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत पार्टनरशिप करने को तैयार है। अब यह जान लीजिए कि यह हथियार कितना घातक है, कितनी तबाही मचा सकता है, कितना घातक है चीन के पास आने वाला भारत का सबसे नया और अनोखा हथियार। बात करें इसकी ताकत की तो ये कंधे पर रखकर फायर किया जाने वाला हथियार है। हालांकि भारतीय सेनाओं के पास यह वेरिएंट पहले से है, लेकिन भारत इसका सबसे एडवांस वर्जन तैयार करने वाला है जो बेहद खतरनाक होने वाला है। कार्ल गुस्ताफ M4 भारत अब बनाएगा, लेकिन M3 को भारत पहले से बना रहा है। भारत की ऑर्डनेंस फैक्ट्री बोर्ड कार्ल गुस्ताफ M3 को भारत में ही बना रही है। इसकी रेंज 1200 मीटर है। कार्ल गुस्ताफ M4 को 2014 में बनाया गया है। यह दुनिया के अत्याधुनिक रॉकेट लॉन्चर में से एक है। इसका वजन 6.6 किलोग्राम है, यानी महज 7 किलो से भी कम वजनी यह हथियार दुश्मन सेना में तबाही मचा देगा। इसकी लंबाई 37 इंच है। इसे चलाने के लिए दो लोगों की जरूरत होती है, एक गनर और दूसरा लोडर। इसमें 84 मिलीमीटर व्यास और 246 मिलीमीटर लंबा रॉकेट लगता है। यह एक मिनट में 6 राउंड दाग सकता है। इस रॉकेट लॉन्चर से दागे जाने के बाद इसके गोले अधिकतम 840 फीट प्रति सेकंड की गति से आगे बढ़ते हैं, यानी 918 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति। अगर दुश्मन चलती फिरती गाड़ी में है तो इसकी सटीक रेंज 400 मीटर है, गाड़ी खड़ी है तो 500 मीटर। अगर स्मोक और हाई एक्सप्लोसिव गोले का उपयोग करते हैं तो रेंज 1000 मीटर है। अगर रॉकेट बूस्टर लेजर गाइडेड हथियार दागते हैं तो 2000 मीटर तक गोला जाता है। कहने का मतलब यह वह ब्रह्मास्त्र है जिसे दागने के बाद दुश्मन का बचना पूरी तरह से नामुमकिन है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि कार्ल गुस्ताफ M4 को उन जवानों को दिया जाएगा जो चीन की सीमा के पास LIC पर तैनात हैं, यानी चीन कभी भी क्लोज कॉम्बैट यानी नजदीकी लड़ाई की कोशिश नहीं कर पाएगा। गॉर्डन जोहानसन ने कहा कि सिर्फ हथियार नहीं बल्कि उसके हिस्सों का भी निर्माण करेंगे। तो दोस्तों, हमारी आज की ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए।